गुलशन जी जोरदार तालियों के साथ गुलशन ग्रोवर जी। गोविंदा सर को पीछे देखना, एवो पीछे देखना। हेलो सर, न थके पाँव कभी, न ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुमित जायसवाल और आप देख रहे हैं सुमित जायसवाल ब्लॉग्स। तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, और शानदार क्यों, क्योंकि आज हम आए हैं टैगोर आदर्श पीजी कॉलेज के यहाँ पर हो रहा है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। देख सकते हैं यहाँ, और कौन कौन आने वाला है वो तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन आने वाला है। आज यहाँ पर आने वाले हैं गोविंदा, उनकी वाइफ नेहा दुपिया, आफ्ताब शिवदेसानी और गुलशन ग्रोवर, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आज हमारे को यहाँ से आया इनविटेशन, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या मज़ा होने वाला है अंदर। तो चलिए देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल से यहाँ पर पूरा ऑडिटोरियम को सजा दिया गया है, और हम आए हैं दीप स्मृति ऑडिटोरियम के अंदर, जो कि है मानसरोवर के अंदर पोदार कॉलेज के पास में। तो चलिए चलते हैं, और क्योंकि यहाँ पर आने वाले हैं बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स, उनको भी हम देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये यहाँ पे एटीवी खड़ी हुई है। अब ये एटीवी क्यों खड़ी हुई है, आई थिंक किसी की एंट्री होने वाली है इसके ऊपर, राइट? किसी की एंट्री होने वाली है, और ये इसके ओनर है। अब हमारे को बैठने तो नहीं दे रहे हैं ये लोग इसके ऊपर। तो जी ठीक है गाइस, अब यहाँ से एंट्री लेते हैं उधर की तरफ, और आ जाइए। फाइनली हम लोगों को मिल चुकी है यहाँ पर सीट, और हमारे साथ में ये भाई, और यहाँ पर हैं दो राजस्थानी छोरे। तो भाइयों अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। तो बलवीर चौधरी, और आपका? देव किशन। और हम भी हमारे रूप के अंदर आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा हमने टर्बन पहन चुके हैं। दोस्तों आज ये शाम उन प्रतिभाओं, कलाकारों, उन टेक्नीशियंस के नाम है जिन्होंने रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और तो भाई फाइनली आ चुका है तुम्हारा फेवरेट है, ग्रैंड मस्ती का हीरो है क्या ये? भाई ग्रैंड मस्ती वाला जी। तो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं आफ्ताब शिवदेसानी, जो कि अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, जो कि हो रहा है यहाँ मानसरोवर के अंदर। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर आने वाले हैं और भी बहुत सारे कलाकार हैं। तो अभी आपने इनकी एंट्री देखी होगी, काफी धमाकेदार एंट्री करी है यहाँ पे आफ्ताब शिवदेसानी। भूषण कुमार जय वे मधेश मनिका अयोधी जयवी सिंह मादा लाडला मोहसिन खा जिद अगर तू भी मन रहे समझस है तो यहाँ पे जा सके थे मधेश मनिकम फॉर अयोधी मूवी बेसुगुरा टू श्रीलेखा मुखर्जी कालों को हो नसीम विकी मादा लाडला कपड़े ना पाया करो ये देखो मैं सारे कपड़े धोने की कर रहा हूं कमलेश ओझा गुलाम जो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर इन अदर रीजनल फिल्म्स जुबेर गार्ग फॉर द मूवी डॉक्टर बेस बारू तो जैसे बिल बोले रिच स्माइल जगह भी सारा ये स्माइल है बा जाने बैरू जी को प्रसाद बांटे कई इया हिस्से कठाई को अपने कुल हिस्से हो पाछो मु रावण को सुखी चाहिए और कई हिस्से जाइया लगे आ तो गाड़ी स्टार्ट होता सी जी
और कई हिस्से बिबकी निकले को निकाली फैरी कसी पहली पूजा करता ओम जय जगदीश हरे, आंख बंद करके बिल्कुल भगवान में ध्यान लगेगा। आजकल पूजा क्या करा, अगरबत्ती से गाली कटी, ओम जय जगदीश हरे। सुनो तू बता दा तो मेरे कहते कुड़ियों ले गया आई टेंशन बैक जनों के संकट दा। बस सुमन कटे सुमन, अरे रसोई में दूध उफने गए बैक जनों की टाइप की पूजा होती है आजकल हुए। लेकिन अब चलो ठीक है पूजा हुए, लेकिन आने वाले टाइम में किए उसी आने टाइम में पूजा तो भूलती सी, बस ओम जय जगदीश से थोड़ा बहुत याद रह सी, पीछे बात सी और पूजा क्या सी हमारे साथ में यहाँ पे शाहिद और मोहित। मेरे भाई क्या हालचाल है? बस बढ़िया एकदम भाई। फाइनली तुम लोग अंदर आ चुके हो और मतलब अभी काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? शानदार, बढ़िया, मजा आ रहा है भाई। क्या शानदार वहाँ पे खड़े हैं आफ्ताब शिवदेसानी और नेहा धूपिया। तो भाई फाइनली आज सामने देख लिया अपन। हां एंकर हां नेहा भाई, मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों को मेरे को रिप्लेस कर देना चाहिए। मतलब कोई ना, थोड़ी देर में आने वाले यहाँ पे गोविंदा, तो कभी एक अलग ही रोमांच बना हुआ है। मतलब अभी तो नहीं आए, काफी ज्यादा सीटें अभी भी खाली हैं, लेकिन लोग आना स्टार्ट अभी तक आ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। और हमारी जयपुर वाले तो वैसे लेट लगती है थोड़े से, बट कोई ना आ जाएंगे थोड़ी देर में। Thank you.
जिनके हम इतने बड़े फैन हैं, इनके छोटे भाई हैं, इनके परिवार के हिस्से हैं। आइए आइए गुलशन जी, जोरदार तालियों के साथ गुलशन ग्रोवर जी। गुलशन सर, गुलशन सर, गुलशन सर, सर गाना बजा दिया जाए। Can we have some music, please? मैन के नाम से जानते हैं गुलशन ग्रोवर। 21 सितंबर 1955 में नई दिल्ली की गलियों से जन्मा एक ऐसा कलाकार जिनके खलनायक किरदारों ने हम सभी का मनोरंजन बखूबी किया है। हाय श्री, अपने पिता श्री विशंबर नाथ ग्रोवर और माता श्रीमती राम राखी ग्रोवर के साथ रहने वाले व दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में मास्टर डिग्री होल्डर गुलशन ग्रोवर को बचपन से ही अभिनय का बड़ा शौक था और इसीलिए पढ़ाई खत्म होते ही उन्होंने थिएटर और स्टेज शो की तरफ कदम बढ़ाए। इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हॉलीवुड और इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाम बनाने वाले गुलशन ग्रोवर के सिनेमा सफर की शुरुआत हुई 1980 में उनकी पहली मूवी हम 5 के साथ। इसके बाद सोनी महिवाल, राम लखन, सौदागर, जिगर, आंखें, विजय पद, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, यस बॉस, हेरा फेरी और क्रोक जैसी फिल्मों में इनके अभिनय ने जनता के दिलों में एक सुनहरी छाप छोड़ी। गुलशन ग्रोवर, जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री का बैटमैन कहा जाता है, ये नाम उन्हें फिल्म राम लखन में केसरिया विलायती और बैटमैन की भूमिका निभाने के बाद मिला। केसरिया विलायती, ये हॉलीवुड फिल्म में काम करने वाले 1997 में उन्होंने पहली बार हॉलीवुड फिल्म द सेकंड जंगल बुक, मोगली एंड बलू में काम किया। फिर बीपर और ब्लाइंड एम्बिशन जैसी फिल्मों में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2011 में उन्होंने फिल्म आयन कलाम में भाटी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। अपने करियर में 400 से भी अधिक फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गुलशन ग्रोवर सिर्फ एक सक्सेसफुल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक लेखक भी हैं, जिन्होंने बैटमैन नामक एक किताब भी लिखी है जो बॉलीवुड में उनके जीवन और करियर का एक संस्मरण है। उनके अद्वितीय प्रदर्शन ने उन्हें बॉलीवुड के अनुपम किरदारों में से एक बना दिया है। गुलशन ग्रोवर के इस अद्वितीय योगदान के लिए राजस्थान फिल्म फेस्टिवल इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तालियां बजनी चाहिए। कितना खूबसूरत मोमेंट है ये, गौर से देखिए गोविंदा जी एंड गुलशन ग्रोवर जी, व्हाट अ मोमेंट फॉर द राजस्थान फिल्म फेस्टिवल एज वेल, मेनी कांग्रेचुलेशंस। क्या हाल है? बढ़िया, बढ़िया है ना। मैं आजी न थके हैं पांव कभी, न ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय सज्जनों का और इस फेस्टिवल से जुड़े हुए हर उस विशेष गण का जिनके माध्यम से आज यहां पे अतिथियों का, कलाकारों का सम्मान जयपुर में हो रहा है। हमारे घर परिवार के लिए तो ये
पुण्य नगरी है। मैंने यहाँ पर बहुत पूजा पाठ, बहुत प्रार्थनाएं, बहुत गुरु कृपा हम पे हुई। तकलीफ का दौर भी आया, वो भी निकल गया। आपकी कई कृपाओं में से मैं ये धन्यवाद देता हूं। मैं कहा करता हूं माता माता वो सर्वत्र मात्र देव भव। वैसे ही आज ये जो थॉट है, ये मैं खास तौर पे धन्यवाद दूंगा आपका कि आज ये मुझे ये मौका मिला कि जो मेरे अपने टीचर हुआ करते थे आदरणीय कुशल जी, आज मैं मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपको अवार्ड देने के लिए आपके साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं वो कहा करते हैं कि दोस्तों यारों की दुआएं दुनिया में साथ चलती है तो कहाँ की चीज कहाँ से निकलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच पे उपस्थित मेरे मित्रगण में आफ्ताब है साथ में यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी साथ में सह कलाकारा नेहा रूपिया है, और साथ में यहाँ पे व्यापारी घर आए हुए हैं बहुत से। आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभेच्छा प्रदान करता हूँ और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि जैसे कि यहाँ के बहुत के लोग को कम पता होगा कि वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं शायद मुंबई का रहवासी हूँ तो वहीं से आया हूँ, पर ऐसा नहीं है। गोविंदा जो है जहाँ पे है वो यहाँ की गुरु कृपा और आशीर्वाद से आगे निकला है। मैं इस धरती का प्रणाम करता हूँ और बहुत ही धर्मप्रायण स्थान है ये हमारे पूरे घर परिवार के लिए, और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे बहुत कलाकार इस जगह से आगे निकले और आप लोग की कृपाएं सदैव वो लोगों के साथ में रहे और बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट आगे निकला करेंगे। और मैं जिसके आगे मैं ज्यादा डायलॉग नहीं बोलता हूँ, स्पीच तो दे ही नहीं करता, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा तो आप नमस्कार जयपुर और संजना, थैंक यू सो मच आपने हमें इनवाइट किया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन गुलशन जी, आपको बैड मैन क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं, इतने गुड मैन है। ओवर टू यू। मेरे छोटे भाई गोविंदा की इन दो लाइनों से तो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। ना थके हैं पांव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और सफर आज भी जारी है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्टर, एवरी आर्टिस्ट, एवरी पर्सन। चूंकि कहा गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वेरी ऑनर्ड, हैप्पी, ग्रेटफुल टू राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। उसमें लिखा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज एन ऑनर फॉर योर कंटिन्यूड सस्टेन्ड सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर चोजन क्राफ्ट। पता नहीं क्यों हमने इसकी परिभाषा बॉलीवुड में चेंज कर दी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का मतलब आदमी बूढ़ा हो गया है। मैं रस्ते बता रहा था नेहा को और अताप को, करीब 60-70 से ज्यादा फिल्में मैंने गोविंदा के साथ की हैं, और आफ्ताब ने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट एक्टर एवर। फ्लाइट में यही बात हो रही थी गोविंदा, नेहा ने कहा, संगीता बिजलानी थी फ्लाइट में, सभी गोविंदा की कला, गोविंदा के आर्ट, गोविंदा की डांसिंग, कॉमेडी, ट्रेजेडी, हर चीज कर लेते हैं। ब्रिटिश एक्टर ब्रिटिश फिल्मों में काम करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। निकोल किडमैन ऑस्ट्रेलियन, हार्वे बायदा इन स्पेनिश, सो मेनी वंडरफुल एक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कम वर्क इन हॉलीवुड एंड गो बैक। I said, let it take any amount of time. I'm in no rush. I will come here to work and go back to my own Indian films. And finally it happened. And today I'm proud of the fact that I created a much
between Bollywood and international cinema and Hollywood, and I'm proud of the fact that this mud path is being cemented and followed by my wonderful colleagues like Priyanka Chopra, late Irfan Khan, Deepika Padukone, Anupam Kher, Amitabh Bachchan, so many wonderful actors. ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? आप सबकी शुभकामनाएं, गुड विशेज और आशीर्वाद से पॉसिबल हुआ. आपकी शुभकामनाएं, गुड विशेज, हमारे काम का एप्रिसिएशन, प्लीज कंटिन्यू टू डू दैट. हमें अवार्ड्स मिलते रहे. अवार्ड में बस यही छुपा है कि इसके अंदर आपका प्यार है, आपकी तरफ से दिया हुआ सम्मान है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जी, एक मैं छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ. एक चीज आपने कही थी जो हम लोगों ने फ्लाइट पे डिस्कस की थी कि आपको गलत अवार्ड दिया जा रहा है, आपको मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर का अवार्ड दे देना चाहिए एंड द बेस्ट डेब्यू अवार्ड. नहीं नहीं, मैं कहती हूँ कि प्रॉमिसिंग न्यू कमर राजस्थान फिल्मों में दे दिया जाए, साथ में साइनिंग अमाउंट भी दे दीजिए यहाँ पे. वो स्टेज पे तो है, पूरी कास्ट तो है यहाँ पे. लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली गुलशन ग्रोवर. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, Govinda Ji. Thank you very much, Sunita Ma'am. Thank you very much. देखा यहाँ पर बहुत ही शानदार वाला इवेंट हुआ है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की तरफ से. आई होप कि आपको भी मजा आया होगा. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में यहाँ पर पूजा और शिल्पी, काफी ज्यादा मजा आया गाइस तुम लोगों के साथ में यार. मतलब इन्होंने जो कंपनी दी है ना यार, गजब की कंपनी दी है आप लोगों ने. और इन्होंने मेरे को काफी ज्यादा सपोर्ट करा है ब्लॉग बनाने के अंदर भी यार. तो यार आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज यार ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा. हाँ यार प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए. तो मिलते हैं ऐसे कोई अच्छे से ब्लॉग के अंदर. टिल देन खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्ते, बाय बाय, बूम, बाय 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 बाय.